नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एमआईटी टेक। तो दोस्तों आज वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है तो आप उस वीडियो को किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को डिलीट करने की जरूरत कब होती है, किस लिए होती है? मान लो अगर हम यूट्यूब को मेल करते हैं कि हमारा वीडियो गलती से अपलोड हो गया, हम अपनी गलती को कबूल करते हैं, कृपया हमारे इस स्ट्राइक को मतलब रिमूव कर दीजिए। तो इसके लिए जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जब यूट्यूब वाला मतलब देखता है हमारी ईमेल को तो भी मतलब चैनल को चेक करता है कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है कि गलत कर रहा है। अगर हम उस वीडियो को अपनी डिलीट कर देंगे तो क्या पता वो हमारे मतलब कि हमारे स्ट्राइक को हटा भी दे, क्योंकि अगर वो देखेगा कि हाँ इस बंदे ने अपनी गलती को कबूल किया है और यह वीडियो को भी डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों इसलिए हमको वीडियो को डिलीट करना ही अच्छा रहता है। तो वीडियो आप किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप यूट्यूब एप्लीकेशन से डिलीट करना चाहते हैं तो तब भी यूट्यूब का वो वीडियो स्ट्राइक वाला वीडियो नहीं डिलीट होगा। अगर आप YouTube स्टूडियो से उसको डिलीट करना चाहते हैं तब भी नहीं होगा, लेकिन आप अगर क्रोम ब्राउजर से डिलीट करेंगे तो आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप किस प्रकार से क्रोम ब्राउजर की मदद से अपने वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, तो मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया है। उसके बाद आपको अपने वीडियो मैनेजर में चले जाना है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे वीडियो मैनेजर है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा नेट हमारा स्लो चलता है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी हमारा वीडियो मैनेजर खुल गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस वीडियो पर हमारा स्ट्राइक आया है वीडियो हमारा यहाँ पे। उसके बाद आपको जो बॉक्स बना है उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको ऊपर जो आइकन है टिक के बगल में उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे से तीसरे नंबर पे, तो उस पर आपको क्लिक करना है डिलीट पे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ये दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर टिक का निशान करके आपको डिलीट कर देना है। मैं यहाँ पर टिक का निशान लगा देता हूँ। उसके बाद आपको डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी हमारा प्रोसेसिंग चालू है, वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। अभी हमारा वीडियो डिलीट हो गया है। क्या आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है वीडियो डिलीटेड, यानी हमारा वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हमारा वीडियो डिलीट हो गया परफेक्टली तरीके से। अभी वीडियो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।